हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में। जो अपना अगला स्टॉक है सीईएससी लिमिटेड है, तो देखा जाए 6.25% की गिरावट के साथ 112 पर क्लोजिंग दिया है। तो अभी सभी शेयरों में गिरावट हो रही है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा वेट कीजिए, सही समय आने दीजिए, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिएगा। तो उसके पहले आप शेयर को एनालिसिस कीजिए, शेयर को इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा शेयर उपयुक्त है, कौन सा नहीं है, तो उसकी एनालिसिस आप करके अपना एक स्टॉक बनाइए। उसके बाद जैसे मौका मिलता है उसमें आप एंट्री बना सकते हैं। ये मैं नहीं बोला हूँ, खाज एंट्री ले लीजिए। तो आप स्टॉक की एनालिसिस करते हैं आपके साथ में मिलकर। तो सीईएससी काम क्या करता है, काम ये करता है इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन करता है। तो इलेक्ट्रिकल सेक्टर का शेयर है। तो अभी करंट प्राइस देखा है 312 पर चल रहा है, 14,906 करोड़ का ये मार्केट कैप है, और 150 का हाई लगाया, 62 का लो लगाया है। चलिए देखते हैं इसके कंपटीटर कौन कौन से। कंपटीटर में एनटीपीसी, अडानी ग्रीन है, पावर ग्रिड कारपोरेशन, अडानी पावर है, टाटा पावर है, अच्छी अच्छी कंपनियां, पावर सेक्टर की कंपनियां इसकी कंपटीटर हैं। तो हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एनुअली रिजल्ट की। तो ईयरली रिजल्ट की बात करते हैं, तो उसके पहले देखते हैं 2012 से देखा जाए तो 2012 में कितना प्रॉफिट था। 2012 में प्रॉफिट था 244 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2013 में 481 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मार्च 2014 में 573 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट देखिए डे बाय डे हर साल अपना ग्रो कर रहा है। यहाँ पे देखिए हर साल ये ग्रो करते हुए जा रहा। तो मार्च 2023 में कितने का प्रॉफिट दिखा रहा, 1397 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा। मार्च 2023-24 की बात करें 1477 करोड़ का प्रॉफिट ही अभी तक बना चुका है। तो इस कंपनी के लिए अच्छी बात है क्योंकि हर साल ये प्रॉफिट देते आ रहा है। तो बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट पे क्या कहता है, बैलेंस शीट पे हम बात करेंगे। बैलेंस शीट पे देखिए 2012 में इसका इक्विटी कैपिटल कितना था, 126 करोड़ का, जो बढ़ के अभी तक कितना हुआ है, 133 करोड़ का इक्विटी कैपिटल हुआ। ये अच्छी बात है किसी कंपनी के लिए, उसका कैपिटल बढ़ रहा है तो ये कंपनी की अच्छी बात है। वही रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें 4717 करोड़ से बढ़ के 5,018 करोड़ हुआ। ये भी हर साल लगभग अपने रिजर्व एंड सरप्लस एड करते हुए जा रहा। यहाँ पे 2-4 साल देखिए थोड़ा सा कम हुआ, बट उसके आगे देखिए मार्च 2022 से फिर से अपना 10,263 करोड़ कर लिया। मार्च 2023 में देखिए 10,777 करोड़ हुआ, और सितंबर 2023 में देखा है तो 11,367 करोड़ का यहाँ पे आपका दिखा रहा है रिजर्व एंड सरप्लस। मार्च 2024 आते आते तकरीबन ये 12,000 करोड़ का आपका रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी कैपिटल के मामले में बहुत एसेट भी देखा है तो 14,787 करोड़ से बढ़कर 21,290 करोड़ ये एसेट भी हर साल ग्रो किया है। तो ये किसी कंपनी का एसेट ग्रो कर रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस ग्रो कर रहा है, इक्विटी कैपिटल ग्रो करे तो कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात मानी जाएगी, क्योंकि हर साल अब कंपनी ने कुछ न कुछ अपने लिए ऐड किया है। अगर कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो कस्टमर का भी प्रॉफिट होगा। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात हम कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कितनी है, 52.11% प्रमोटर की हिस्सेदारी है। एफआईआई की हिस्सेदारी थोड़ा सा कम हुआ, 13.14 से घटकर 11.95% हुआ है। वहीं डीआईआई की हिस्सेदारी देखा तो 20.06 से बढ़ के 21.44% हिस्सेदारी हो गई है। तो इन तीनों की हिस्सेदारी देखिए तो बहुत अच्छी खासी हिस्सेदारी है। बस पब्लिक की हिस्सेदारी कितनी है, तकरीबन 14.5%। तो ये देखा तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखा है तो हिस्सेदारी प्रमोटर की, एफआईआई की, डीआईआई की अच्छी खासी हिस्सेदारी इसमें है। तो ये तो हो गई एनालिसिस, चलते हैं चार्ट पे। चार्ट क्या कहता है, चार्ट के हिसाब से हम प्लानिंग करें कब बाई करें सेल करें, ये आपके ऊपर है। बट मैं चार्ट की तरफ लेकर चलता हूँ, उसके पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चार्ट पे देखा है तो ये जो रेंज है, ये जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा है। ये भी ब्रेक कर दिया, अपना लोग ब्रेक किया, और ये 110 के नीचे अगर आता है ये तकरीबन आपका आके फिर यहाँ पे 100 के नीचे आना शुरू कर देगा। तो चलिए लॉन्ग सपोर्ट देखते हैं, लंबा सपोर्ट इसमें कहाँ पे मिल सकता है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे चलने के बाद हमको देखने को ये मिल रहा है, ये जो रेंज है ये एरिया देखिए, तो ये एरिया आपके लिए सपोर्ट का वर्क करेगा, अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत पीछे से ये सपोर्ट लेके आ रहा है, अगर यहाँ पे आता है और ये कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन बनाता है और रेंज बना के ब्रेकआउट देता है तभी आप इसमें एंट्री बनाइएगा, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आने के बाद कितना दिन कंसोलिडेट का ये रेंज बनाया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जो ब्रेक किया तो अच्छा खासा मूव दिया है। तो यहाँ पे आने दीजिए, यहाँ पे आने के बाद ये कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तभी आप इसमें एंट्री बनाइएगा। तो ये आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कहाँ एंट्री बनानी है। तो ये मेरे हिसाब से देखा कि ये बहुत अच्छा लेवल रहेगा यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दे, धन्यवाद।